खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवारवाद दायर किया है। ऐसा लेकर प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से पिछले दिनों से लगातार मेरे वृद्ध माता पिता, मेरी पत्नी, इन सबके विरुद्ध बहुत अश्लील अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थी। ये टिप्पणियां राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो सकती हैं। इनको पहले लगातार हम अभी इस बात की अपेक्षा करते रहे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस पर रोक लगाए, लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। इसलिए न्यायपालिका की हमने शरण ली है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कि माननीय न्यायपालिका इनको दंडित करने का काम करे। जिस प्रकार के अपमानजनक लेख मेरे विरुद्ध और हमारी पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध भी लिखे जा रहे हैं, ऐसी बातें राजनीति में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय की शरण।